अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेगेटिव मार्क्स आर गिवेन फॉर इनकरेक्ट आंसर इफ जैक इज सोल्ड इन 5 सक्सेसिव राउंड वेयर 25, -5, -10, 15 and 10 व्हाट वाज ही टोटल एट द एंड। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि पॉजिटिव आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिया जाता है और नेगेटिव आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स दिया जाता है। इफ यदि जैक जो है सक्सेसिव मींस लगातार, सक्सेसिव मींस लगातार, अगर जैक अगर लगातार 5 राउंड में ई ए ए ए ए और ए स्कोर करता है तो पूछा जा रहा है व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो अंत में वह कितना स्कोर किया। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग कर सकते हैं टोटल स्टूडेंट टोटल स्कोर इक्वल टू सब आप ऑल नंबर, सभी नंबर को हम ऐड कर देंगे। जब सभी नंबर को हम ऐड करेंगे तो 25 -5 -10 -15 डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जब ब्रैकेट के बाहर प्लस और ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस का साइन है तो जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे माइनस चला आता है, इसलिए यहाँ पे -5 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे -10 हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, हम यह भी जानते हैं पॉजिटिव वाले नंबर को पॉजिटिव में प्लस कर देते हैं और निगेटिव वाले नंबर को निगेटिव में प्लस कर देते हैं। तो जब हम पॉजिटिव 25 है 15 है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 में जब हम 10 को प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा पहले बच्चों, 50 माइनस और -5 और -10 को जब प्लस करेंगे तो -15। अब जब एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर निगेटिव है तो जब हम इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे 45 होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब प्लस और माइनस साइन वाले दोनों नंबर एक साथ होते हैं तो नंबर हमेशा डिफरेंस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर का आता है तो बड़े वाले नंबर के कोई सिंबल नहीं है, अर्थात प्लस। जब प्लस है तो यहाँ पे हमारा आंसर भी क्या आएगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव।